ओके गाइस, तो जिस चीज का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे फाइनली वो बैच आ चुका है। वो बैच है एडिनो प्रोग्रामिंग विद C++ लैंग्वेज का। ये बैच एकदम बिगनर फ्रेंडली है, यहाँ पे हर चीज आपको बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सिखाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस कोर्स का मेन टारगेट है आपको प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट बनाना, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि एडिनो रिलेटेड प्रोजेक्ट जब भी हम कर रहे होते हैं तो हम हार्डवेयर रिलेटेड कनेक्शन तो कर लेते हैं, प्रॉब्लम जाती है कोडिंग पे। मैंने कई बार देखा है कि लोग प्रोग्राम के लिए मुझे कॉल कर रहे होते हैं, मैसेज कर रहे होते हैं, मुझे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रहे होते हैं, इंस्टा में हो गया, यूट्यूब में कमेंट कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे कि सर ये प्रोजेक्ट बनाना है आप कोड कर दोगे। ये एक चीज है जहां पे लोग फंस रहे होते हैं कोडिंग, या कई बार लोग कोड तो कहीं से कॉपी पेस्ट मार देते हैं गूगल से या कहीं से भी कोड कॉपी पेस्ट मार दिए, लेकिन अगर कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करना है अपने तरीके से तो वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनको प्रोग्रामिंग का बेसिक नॉलेज नहीं है। इस कोर्स को करने के बाद आप ना सिर्फ कोड को समझ पाओगे, मॉडिफाई भी कर पाओगे और अपने प्रोजेक्ट के लिए फ्रेश कोड लेके भी पाओगे। अब सबसे पहले तो एक क्वेश्चन ये आ रहा होगा हमारे माइंड में कि जो आपने यूट्यूब में, हाँ बिल्कुल, 5 घंटे का जो पूरा का पूरा एडिनो प्रोग्रामिंग का एक कोर्स आपने प्रोवाइड कर रखा है, उससे ये कोर्स कैसे अलग है? तो ये चीज आपको पता लगेगा जब आप इस कोर्स का सिलेबस देखोगे कि इसमें क्या क्या चीजें आपको अलग से बताए जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे जो भी चीज पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक पढ़ाने के बाद आपको पर्सनली पूछा जाएगा कि आपको कोई डाउट है क्या। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके डाउट को पेंडिंग में रख करके आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल नहीं। हर टॉपिक के बाद आपको पर्सनली एक एक का नाम लेकर के पूछा जाएगा कि आपको कोई डाउट है क्या, आपके डाउट को पर्सनली यहाँ पे क्लियर किया जाएंगे। यूट्यूब में क्या होता है कि कोई चीज़ आपने देखा, समझ में नहीं आया, कोई डाउट रह गया, आप कमेंट करते हो, मैं उस कमेंट को रीड करता हूँ, नहीं करता हूँ, या फिर कई बार कमेंट में प्रॉब्लम होता है उस चीज़ को लिख करके समझाने में, तो आपका डाउट अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है। यहाँ पे एकदम पर्सनली मैं आपको चीजें सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल सही सुना आपने, यहाँ पे मैं पर्सनली आपको चीजें सिखाने वाला हूँ। बाकी कोर्स का सिलेबस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो चलो फटाफट से देखते हैं कि इस कोर्स के अंदर में लाइक क्या क्या चीजें हैं, पूरा पूरा डिटेल हम जानते हैं कोर्स के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इस कोर्स में पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा। अब सिलेबस मैं आपको थोड़ी देर में दिखा रहा हूँ, बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है और मजा ही आ जाएगा जब आप उसको देखोगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं सिलेबस के लिए। ओके, क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस होंगे, जूम ऐप पे हो सकते हैं या फिर मेरा अपना एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके आप लाइव क्लासेस वहां पे करोगे। हर टॉपिक पढ़ाने के बाद वहां पे मैं आपसे माइक ऑन करवाता हूं, तो आपको माइक ऑन करने हैं और अपना डाउट पूछने हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपके डाउट को पेंडिंग में रख करके आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल नहीं। चाहे कितना भी लेट हो, कुछ भी हो जाए, कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाए, दैट इज नॉट अ मैटर। मैटर इज दैट कि किसी का भी डाउट नहीं रहेगा, हर किसी का डाउट क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो इट इज लाइक 1-to-1 क्लासेस। हाँ जी बिल्कुल, ऐसा लगेगा कि पर्सनल क्लासेस आप ले रहे हो मेरे से, तो ये पर्सनल क्लासेस ही है, पर्सनली आप मैं कनेक्ट होकर के मैं आपको ट्रेन कर रहा हूँ, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, राइट? हाँ जी बिल्कुल। 1-to-1 डाउट सेशन भी होंगे। सपोज मान लो कि कोई बहुत भयंकर सा डाउट है, कुछ बड़ा डाउट है और लाइक वो क्लासेस में पॉसिबल नहीं है, तो अलग से उसका सेशन क्रिएट किया जाएगा, उसका सेशन मैनेज किया जाएगा और वो सेशन करवा करके आपका डाउट क्लियर किए जाएंगे। तो ये एक अच्छी बात है, यहाँ पे 1-to-1 डाउट सेशन होने वाला है। रिकॉर्डेड वीडियो जो है हर लाइव क्लासेस का मिलेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन मान लो कि आप क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए, नेटवर्क इशू हो या फिर वेदर का कुछ ऐसा लाइक होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं मैंने देख रखा है, या फिर आप कहीं चले गए तो फिर क्लासेस आपको छूट जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा, राइट? तो इसके लिए यह हो सकता है ना कि आप बाद में भी चीज़ें रिविजन करने के लिए आप पूरा का पूरा चीज़ देखना चाहो, तो इसके लिए मैं आपको हर लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो जो होगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा। तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आप कभी भी देख सकते हो, ये लाइफ टाइम एक्सेस होगा। बहुत सारे लोग लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू भी जाते हैं, और जब डाउट होता है तो स्पेशल डाउट सेशन अटेंड करते हैं या फिर डाउट क्लासेस जो भी होते हैं उसको अटेंड करते हैं, राइट? हाँ जी बिल्कुल। डेली क्लासेस होंगे, संडे छोड़ देंगे, और ड्यूरेशन जो होगा वो 2 महीने का ये कोर्स है। हाँ, 2 महीने का ये कोर्स है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें रह जाते हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ भी जाता है कुछ दिन। हाँ बिल्कुल, जो मेरे से ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उनको पता होगा कि कोर्स का ड्यूरेशन थोड़ा सा लाइक ऐसे खिंच जाता है ना, 5-7 दिन ऐसे कुछ, तो ये लाइक हो सकता है, ये होता है कई बार, क्योंकि क्या है ना कि कैसा कैसा डाउट आता है तो थोड़ा सा लाइक हम जो टारगेट लेकर के चलते हैं वो कई बार पूरा नहीं हो पाते हैं, क्योंकि डाउट तो मैं छोड़ नहीं सकता, इसीलिए मैं लिमिटेड स्टूडेंट को ही लेता हूँ, ये बात कन्फर्म है, राइट? टाइम जो हैगा क्लास का वो होगा रात के 8 बजे या फिर रात के 9 बजे, क्योंकि दिन में बहुत सारे लोग जो हैं काम वाम कर रहे होते हैं, ऑफिस वगैरह रहता है उनका या फिर बिजनेस है, तो ये दिक्कत है ना, तो इस टाइम पे लोग फ्री हो जाते हैं, तो आराम से क्लास कर पाओगे। क्लास करने में टाइमिंग का कोई इशू नहीं होने वाला है, फ्यूचर सपोर्ट आपको मिलने वाला है,
मान लो कि कल के टाइम पे ये बैच ऐसे कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको कुछ लाइक मेरे से कोड वगैरह में कुछ आपको दिक्कत जा रहे हैं या सब कुछ भी प्रॉब्लम अगर होता है तो आपको फुल सपोर्ट किया जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे। हालांकि इस बैच के कंप्लीट होने के बाद आपको एक ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा जहां पे बहुत सारे लोग हैं ऑलरेडी, और आपको जब भी प्रॉब्लम होगा तो आप वहां पे डालोगे और मेरे जो बाकी लोग हैं वो आपको हेल्प कर रहे होंगे। हाँ बिल्कुल, या बाकी लोग से अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो आप भी उनका हेल्प कर सकते हो अगर आपको आता है तो एक कम्युनिटी जो है, एक मैं टीम आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। बिल्कुल, कोर्स के कंप्लीट होते ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ये मजेदार चीज़ है, अगर आप स्टूडेंट हो तो ये काफ़ी हेल्प करेगा, राइट? हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। अब इस कोर्स में ध्यान से सुनोगे, ये जो कोर्स एक्चुअली करवाने वाला हूँ मैं खुद करवाने वाला हूँ, नहीं इसका क्लास लिस्ट लेने वाला। कई बार ऐसा होता है कि लाइक लोगों को लगता है कि यार दिखा दिया कोई और टीचर और पढ़ा रहा है कोई और टीचर, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपने मेरा 5 घंटे का आर्डुइनो प्रोग्रामिंग का वो जो वीडियो देख रखा है यूट्यूब में, राइट? मेरा ही है, मेरा ही वॉइस में, और मैं ही आपको पढ़ा रहूँगा, टेंशन बिल्कुल ना लो, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, है ना? पूरा का पूरा कोर्स मैं खुद लेने वाला हूँ। अपने बारे में थोड़ा बता दूँ तो बीटेक एंड एमटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और मेरा पेपर पब्लिश हुआ है IJCERT में, है ना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ क्रिएटिव रिसर्च थॉट्स, और ब्रांच रैंक मेरा जो था OJEE एमटेक एंट्रेंस में वो 15 था और 75 रैंक था ओवरऑल, राइट? और मैंने 1000 से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करा हुआ है इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर भी, तो लाइक ये मेरा कुछ शॉर्ट प्रोफाइल था ऐसा। अब बात करते हैं, ध्यान से सुनोगे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना, कि इस कोर्स में लाइक आप क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हो। पूरा का पूरा C++ प्रोग्रामिंग आप सीखोगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आर्डुइनो प्रोग्रामिंग का जो मेन जड़ है वो C++ लैंग्वेज, तो आपको पूरा का पूरा C++ लैंग्वेज पहले सिखाया जाएगा। समझ गया ना मैं क्या बोल रहा हूँ? तो C++ का लैंग्वेज आप सीखने वाले हो, पहले पूरा डिटेल में मैं आपको C++ सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको लॉजिक बिल्डिंग, कैसे हम लॉजिक को बिल्ड करते हैं, अपने प्रोग्रामिंग लॉजिक को कैसे बिल्ड करेंगे, बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज वगैरह कराए जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज वगैरह करवाए जाएंगे, तो C++ सीखने के बाद प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज कराए जाएंगे सो दैट कि आपका लॉजिक बिल्ड हो। उसके बाद हम आर्डुइनो प्रोग्रामिंग को जाएंगे एकदम बेसिक टू एडवांस, प्रोटीएस वगैरह भी हम देख रहे होंगे। हो सकता है ना कि कोई चीज़ हम लाइक सीख रहे हैं और उसका हार्डवेयर मेरे पास प्रेजेंट नहीं हो, तो हम उसको कैसे टेस्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को? तो प्रोटीएस ये चीज़ है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। हाँ प्रोटीएस ही नहीं, कुछ और भी टूल है, टिंकरकैड वगैरह, वहाँ पे भी हम चीज़ों को देखेंगे। ओके बिल्कुल, सेंसर एंड आउटपुट कंपोनेंट्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे, लाइक ये सेंसर कैसे काम करता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, है ना? हाँ बिल्कुल, इसके पीछे का साइंस क्या है समझेंगे हम लोग, राइट? तो आउटपुट कंपोनेंट्स या इनपुट कंपोनेंट्स जितने भी हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बिना कोडिंग का, अपना खुद का, जैसे मान लो कि आप किसी क्लाइंट के लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उसको आप एंड्रॉइड ऐप भी दोगे तो अपना ब्रांड बना करके लाइक अपना लोगो लगा करके ऐसे कुछ दे सकते हो, तो ये एक लाइक प्रोफेशनल चीज़ होने वाला है। 10 प्रोजेक्ट्स हम लोग इसमें करने वाले हैं इस कोर्स में, तो ये मजे की बात है। थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं, और ये सिलेबस अगर आप देखने जाओगे तो बहुत ही शानदार है इसका सिलेबस, और आप इसका सिलेबस देखो। सबसे पहले इसको मैंने 3 लेवल में डिवाइड करा हुआ है। लेवल 1 में जो है वो C++ लैंग्वेज है, मॉड्यूल 1 के अंदर में आप देख लो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, राइट? इंट्रोडक्शन वगैरह, इंस्टॉलेशन वगैरह, राइट? क्या होता है सॉफ्टवेयर, कैसे काम करता है सॉफ्टवेयर, है ना? मोबाइल ऐप, वेब ऐप, डेस्कटॉप ऐप, ये सब चीज़ें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या चीज़ होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे हम ये सब सारी चीज़ें बना रहे होते हैं, ये सब का सब मैं एकदम लाइव आपको एग्जांपल दे दे करके, और चूंकि मैं एक बेसिक से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ तो मैंने ये सब सारी चीज़ें बना रखा है, तो मैं आपको कोड वगैरह भी दिखाऊंगा, है ना? एकदम पूरा लाइव सब कुछ, एकदम रियल में जो चीज़ें हैं, रियल एग्जाम्पल के साथ। हाँ रियल एग्जाम्पल के साथ हम सारी चीज़ें सीखेंगे। मॉड्यूल 2 के अंदर में आप C++ का पहला प्रोग्राम अगर बनाओगे, मॉड्यूल 3 के अंदर में आप देख सकते हो यहाँ पे ये डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें हैं। मैं आपको बस स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ, ये मॉड्यूल 4 है ना, इनपुट आउटपुट ये सब चीज़ें। मॉड्यूल 5 में ऑपरेटर वगैरह आप देखोगे, और मजे की बात ये है कि हर एक टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग एक एक डाउट को क्लियर करते जाएंगे और बहुत सारे प्रोग्राम से साइज भी देखेंगे। प्रोग्रामिंग से साइज, लॉजिक बिल्ड करना है मेन चीज़, तो ये वीडियो तो यूट्यूब में भी पड़ा हुआ है, ठीक है बिल्कुल। तो if else ये सब चीज़ें हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया, ठीक है। प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज करेंगे 5 प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज इस टॉपिक से, उसके बाद फिर लूप वगैरह आप देख सकते हो, है ना, वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सब चीज़ें, डिफरेंस क्या है सब में, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फंक्शन वगैरह को हम देखेंगे अच्छे तरीके से, एक चीज़ को पूरा डिटेल में, है ना, रिटर्न कीवर्ड वगैरह ये सब चीज़ें क्या होता है इसको समझेंगे। एरे जो है एक बहुत ही अच्छा चीज़ है प्रोग्रामिंग के अंदर में, तो 2D array, 3D array, फिर इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम एक्सरसाइज करेंगे सो दैट हमारा लॉजिक बिल्ड हो। उसके बाद स्विच केस वगैरह हम देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे, एनम देखेंगे, रेफरेंस देखेंगे, C++ का पॉइंटर क्या होता है ये चीज़ देखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है ये भी हम कवर करने वाले हैं, तो पूरा का पूरा C++, पूरा ही C++ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, सीधी बात है, राइट? तो आप देख सकते हो क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, क्लास मेथड्स हो गया, कंस्ट्रक्टर हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, फिर इसका बहुत सारे प्रोग्रामिंग से साइज करेंगे सो दैट हम समझ पाए कि ऑब्स क्या चीज़ होता है, राइट? उसके बाद यहाँ पे मॉड्यूल 12 में अगर आप देखोगे तो हेडर फाइल हो गया, कुछ हेडर फाइल्स वगैरह देखेंगे, आईओ स्ट्रीम वगैरह, है ना, बहुत सारी चीज़ें।
तो 12 मॉड्यूल यहाँ पे C++ हो गए। उसके बाद हम एडिनो प्रोग्रामिंग के अंदर में जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू एडिनो, क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, इंस्टॉलेशन वगैरह, है ना। पहला प्रोग्राम बना करके उसका हर एक वर्ड को समझेंगे, एक एक वर्ड। ये कोर्स करने के बाद अपना प्रोग्रामिंग का एक एक वर्ड आप समझ पाओगे, अच्छे तरीके से आप लिख भी पाओगे अपने तरीके से, जो भी प्रोजेक्ट आपको करना है आराम से समझ पाओगे, ठीक है। बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ें यहाँ पे PWM हो गया, मैप फंक्शन हो गया, ठीक है, ये सब एनालॉग वगैरह, डिजिटल वगैरह, ये सब कंट्रोल स्ट्रक्चर वगैरह आप देख रहे होंगे, फंक्शंस वगैरह कैसे यूज करना है प्रोग्रामिंग के अंदर में, प्रोजेक्ट प्लानिंग कैसे हम एक प्रोजेक्ट को सोचेंगे, लाइक अगर कोई भी अगर फ्रेश प्रोजेक्ट हमें बनाना है तो उसके लिए कैसे हम सोचना स्टार्ट करेंगे, कोड वगैरह, हार्डवेयर वगैरह, राइट। तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कुछ यहाँ पे इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कंपोनेंट्स जो हैं इनके बारे में, इनका पूरा लाइक कैसे ये वर्क करता है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी हम देखेंगे, और टोटल 10 प्रोजेक्ट है आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये काफ़ी शानदार है। उसके बाद हम मॉड्यूल नंबर 21 में मोबाइल ऐप बनाना सीखेंगे। तो यार मॉड्यूल नंबर 22 में फिर हम देखेंगे कि और कहाँ से हम चीज़ें मैक्सिमम सीख सकते हैं, है ना। बाकी आर्डुइनो फंक्शंस वगैरह जो भी होंगे वो सब कहाँ से देखेंगे, फिर प्रोजेक्ट आइडिया जो है और कहाँ से हम ले सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा चीज़ होने वाला है इस कोर्स में। आप मल्टीपल चीज़ें सीखने वाले हो और बहुत ही शानदार चीज़ है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें। आप एंड्रॉइड ऐप बनाना भी सीख रहे हो, C++ पूरा सीख रहे हो, प्रोटीएस भी सीख रहे हो, आर्डुइनो प्रोग्रामिंग सीख रहे हो। मैं आपको बता देता हूँ कि ये कोर्स बहुत ही तगड़ा होने वाला है जो लोग भी ज्वाइन करेंगे। मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस है और एकदम हर चीज़ को बारीकी से सीख रहे होंगे। मजे की बात ये है, अब ये कोर्स का फी की बात अगर आप करोगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लो, ये कोर्स का फी मैं 5000 में कुछ दिन पहले कंप्लीट करवाया था और 5000 लोगों को लग रहा था। अब आप सुन के हिलना मत, क्योंकि ये सेम कोर्स मैंने 2000 में भी करवाया हुआ है, पर इतना सारा कंटेंट नहीं था। बातें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतने सारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेस नहीं थे, प्रोजेक्ट्स नहीं थे, इतने सारे सेंसर वेंसर नहीं थे, ये एक प्रॉब्लम था, राइट। पर बहुत सारे लोगों का डिमांड आ रहा था तो फिर मैंने ये चीज़ इंक्लूड कर दिया। तो फिर इस कोर्स का अभी फी कितना है? तो इस कोर्स का अभी फी है मात्र 2500 रुपया। और जो लोग फटाफट से अभी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं सबको नहीं लेता हूं, मैं लिमिटेड स्टूडेंट को ही लेता हूं। अभी आप सोच रहे हो यार ठीक है, मात्र 2500 में आप इतनी सारी चीजें सिखाने जा रहे हो और बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट आप प्रोवाइड करने जा रहे हो, बट द थिंग इज कैसे इस कोर्स को ज्वाइन करें और कब से ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है ये तो बता दो। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये कोर्स जो है ये 7 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और कैसे ज्वाइन करना है मैं आपको बताता हूं, एकदम फटाफट से देखोगे, ठीक है। सीन ये है कि आपको जाना है प्ले स्टोर पे। प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है SBS ऑनलाइन क्लासेस और ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेना है। यहीं पे क्लासेस चलेंगे, यहीं से आपको कोर्स परचेज करना है। एग्जैक्टली सो करना क्या है कि यहाँ पे आप जैसे ही इसको इंस्टॉल करोगे आप अपना फ़ोन नंबर डालना, फ़ोन नंबर डालने के बाद आप एप्लीकेशन में लॉगिन कर जाना, आप अपना पूरा डिटेल डाल देना, ठीक है, नेम वगैरह, क्योंकि उसी नेम से फिर आपका सर्टिफिकेट भी बनेंगे। ईमेल एड्रेस जरूर से डाल देना, हाँ ईमेल एड्रेस जरूर से डाल देना, क्योंकि आपको ईमेल कर दी जाएंगे आपके सर्टिफिकेट। अब द थिंग इज कि यहाँ पे आप स्टोर पे क्लिक करोगे, जैसे आप लॉगिन कर जाओगे तो स्टोर पे क्लिक करना सीधा नीचे, यहाँ पे एक बैच आपको दिखेगा एडिनो प्रोग्रामिंग C++ का, आप जाकर के उसको पेमेंट करके परचेज कर लेना। उसके बाद आप चैट भी कर सकते हो, मुझे मैसेज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मैसेज करना, 100% आपको रिप्लाई किया जाएगा। ओके सर, बैच परचेज करने के बाद अगर आपको मेरे से बात करना है तो आप वहाँ पे जाकर के मैसेज में लिख देना, सर मेरे को आपसे बात करना है, तो मैं आपको कॉल कर लूँगा आराम से और बात कर लेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको फिक्स कर दूँगा, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल। एक और बात, अगर आप कोर्स ज्वाइन करने के बाद कुछ दिनों के बाद ऐसा लगता है कि नहीं सर आपने जो बोला था ना ऐसा तो आप नहीं पढ़ा रहे हो, मेरा डाउट रह जा रहे हैं, चीज़ें समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मेरा पैसा वापस कर दो, हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बिल्कुल। तो आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो, कोर्स पूरा मज़ेदार होने वाला है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट को लेने वाला हूँ, तो एक नंबर है मेरे माइंड में, उतना स्टूडेंट्स होने के बाद मैं एडमिशन क्लोज कर दूंगा, फिर आप चाह के भी इन नहीं कर पाओगे। तो फटाफट से इस कोर्स का फायदा उठाओ, इस ऑफर का फायदा उठाओ और जल्दी से ज्वाइन करो और भयंकर धमाकेदार चीज सीखो। हाँ जी बिल्कुल, जल्दी से ज्वाइन करो फटाफट।